गुरु जी, एक छोटा सा सवाल था। नहीं बड़ा पूछो, छोटा। हम निवेदन करते हैं, सवाल तो नहीं कर सकते, आपसे निवेदन कर सकते हैं। बोलो। एक दिन एक छोटी सी बात दिमाग में आई थी कि हमारे जो धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं लोग, तो उनके लिए गुरु जी अगर आप कुछ ऐसे उपाय जो हमारे मन में आया था अगर आप बताएं तो ऐसा हो सकता है गुरु जी। बाकी हमें नहीं लगता कि ऐसा मतलब होता है, लेकिन आप करेंगे तो गुरु जी हो जाएगा वो। क्या? लोग जो हमारे यहाँ संगठन बनते हैं, छोटा सा जिला है या शहर है या कुछ भी, मैं सागर का रहने वाला हूँ, राहुल साहू मेरा नाम है गुरुजी। तो एक संगठन होता है, वो अपनी शक्ति बताते हैं कि ये हमारी शक्ति है, हमारा ये संगठन है, लेकिन वो उन विरोधी जो रहते हैं उनसे लड़ते नहीं है गुरुजी। वो तो उनसे लड़ने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ गुरुजी, बस निवेदन ये कर रहा हूँ कि सब अपना अपना एक सब रजिस्ट्रेशन करवा के अपना अपना नाम लिखवाए सभी जगह। ऐसे जो बड़े अपने यहाँ जिले के, वो जो भी बड़े वहाँ के जो भी सदस्य रहते हैं, बड़े जो भी इंसान रहते हैं, तो उनके यहाँ गुरुजी अपना एक नाम लिखवाएं संगठन में। जब तक राजनीति का जी शुगर रोग घुला रहेगा तब तक संगठन ये काम नहीं करेगा। और अगर ऐसे संगठन गुरुजी इकट्ठे हो जाएं सभी तो हमारा देश, तो फिर तो देश ही ना बदल जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? तुमने कभी विद्वानों को एक देखा है? एक हमेशा चिलम वाले ही हो सकते हैं, विद्वान कभी एक नहीं होते हैं। अच्छा, विद्वान एक हो जाए तो फिर विद्वान का है कि? जी गुरुजी। क्योंकि विद्वानों को देखो, एक एक तरकीब है इसकी, लॉजिकली बातें लॉजिकली नहीं है। व्यक्ति सम्मान अकेले पाना चाहता है लेकिन गालियां सामूहिक। जय हो प्रभु। समझ गए? यही हाल है संगठन का। बोलिए बागेश्वर धाम की, परम पूज्य गुरुदेव सरकार की, दादा गुरुजी सरकार की जय। लेकिन सुझाव बहुत अच्छा है, इस बालक की बात पर हम ये समर्थन करके कहेंगे, भारत के प्रत्येक संगठनों को भारत हिंदू राष्ट्र हो ऐसी कल्पना के साथ आगे बढ़ना चाहिए।